जी हाँ दोस्तों, जब से फिल्म 72 हूर का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जब से इस फिल्म को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है और चारों तरफ इस फिल्म का काफी जोरों शोरों से विरोध भी हो रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह से एक युवक को 72 हूर के लालच में आतंकी बनाया जाता है और उससे हर वो काम करवाए जाते हैं जो कि एक आतंकी करता है। ट्रेलर के आते ही जहां एक तरफ लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसे काफी निगेटिव वे में भी ले रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस ट्रेलर को देखकर मशहूर अभिनेता और द कपिल शर्मा के ओनर कपिल शर्मा ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। कपिल शर्मा ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से अभी हाल ही में द केरला स्टोरी रिलीज की गई थी जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से 72 हूर फिल्म आ रही है, सच में ये काफी शर्मनाक बात है कि भारत जैसे देश में हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन इन मूवी और एक्टर और नेताओं की वजह से हम सब में भेदभाव हो जाते हैं। और रही बात आतंकवाद की, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। जो लोग इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं, मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि शायद उन लोगों की ही ऐसी मेंटेलिटी है जो इस तरह के विचार रखते हैं। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में भाईचारे पर कायम रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से कपिल शर्मा ने अपना बड़ा बयान जारी करते हुए 72 हूर फिल्म पर चुप्पी तोड़ी है। बहरहाल दोस्तों, आप कपिल शर्मा के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।